नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बेहद बुरी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा के करनाल में सरपंच पर हमला। हरियाणा के करनाल में सरपंच का रास्ता रोककर मारपीट व लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित सरपंच ने मामले की शिकायत कुंजपुरा पुलिस को दी। कुंजपुरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शिवकुमार कुंडा कला गांव का सरपंच है। वह बाजितपुर गांव में अपने परिचित के घर जागरण में गया हुआ था। रात को ही लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच वह बजीदपुर से अपने घर कुंडा कला वापस लौट रहा था। कुंडा कला गांव के नजदीक 4-5 बदमाश ही रिक्शा व मोटरसाइकिल से रास्ता रोके हुए थे। रास्ता रोकने का कारण पूछने पर मारपीट। सरपंच ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि जब उसने लड़कों से पूछा कि रास्ता क्यों रोक रहे हो, तभी उनमें से एक लड़के ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने वाले लड़के का नाम बिजू है। उसने थप्पड़ मारने के बाद दूसरे लड़के को हथियार निकालने को बोला, साथ ही कहा कि सरपंच को जान से मार दो। इसके बाद मारपीट करने लगे। इस दौरान आरोपियों ने गले से 3 तोले की चेन और अंगूठी भी छीन ली। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। झगड़े में सरपंच को काफी चोटें आईं। वह नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचा और मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को की।